press the bell icon. Never miss any update. तो लगातार उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजय कुमार लल्लू जी, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस यूपी से हैं। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि और करने की भी ज़रूरत है? कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है और मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष करना चाहिए। कैसे इस बीमारी से निजात पाया जा सके, इसकी व्यापक तैयारी हमें भारत में भी करनी चाहिए। जहां तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले काफी समयों से जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया था कि व्यापक स्तर पर सभी डॉक्टरों को पूरा पीपीटी किट की व्यवस्था करानी चाहिए, सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लैब टेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग जहां भी हैं, जिन गांवों में हैं, उन गांवों में उनकी व्यापक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाकर, जैसे कुछ लोग अभी आपको याद होगा कि काफी बड़े पैमाने पर मजदूर हमारे भाई जो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग थे, वो काफी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आकर निवास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर गांव-गांव में जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन जगहों को चिन्हित करके क्वारंटाइन सेंटर बनाकर कहीं न कहीं आइसोलेशन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जहां तक देखा जाए जो समुचित इलाज के प्रबंध होने चाहिए या समुचित जांच के जो प्रबंध होने चाहिए, उस रूप में अभी सरकार ने बहुत मजबूती के साथ काम नहीं कर पाई है। अभी अगर आप देखें तो लगभग उत्तर प्रदेश में मात्र 10 से 12 हजार लोगों का ही जांच हो पाया है, जबकि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनता है और 23 करोड़ जनता जो पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मुझे लगता है कि जब तक इसे जनपद वाइज एक टीम बनाकर और ज्यादा से ज्यादा किट की व्यवस्था उपलब्ध कराकर जो संक्रमण फैल रहा है उस फैलने को रोकने के क्रम में जब तक घर घर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जाएगी, जब तक जो लोग इस बीमारी में अगर कहीं से भी चिन्हित किए जाते हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में या उनके लिए आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर और समुचित व्यवस्था नहीं कराई जाएगी, तब तक इस बीमारी और महामारी से लड़ पाना जी। अजय जी, जांच दर तो एक तरफ से हमें बढ़ाने की जरूरत लगी रही है और साथ ही व्यवस्था में भी कुछ और इंतजाम करने की जरूरत है, तभी ये जो रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें कुछ कमी हम कर पाएंगे। वहीं हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां एक तस्वीर हमने देखी थी पलायन करके लोग वापस उत्तर प्रदेश आ रहे थे अपने घरों की ओर, उसके अलावा जो तबलीगी जमात में लोग शामिल थे वो भी वापस आए उत्तर प्रदेश में और ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। मुझे लगता है कि ये महामारी हर व्यक्ति को डरा हुआ महसूस कराने में पूरी तरह, आज पूरा व्यक्ति परेशान, हताश और निराश है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। बीमारी किसी जाति और संप्रदाय को देख के नहीं आती है। मुझे लगता है कि अगर वहां पर लोग इकट्ठा थे, जो जमात में लोग इकट्ठा होने के बाद अगर किसी को यह बीमारी थी तो शायद उसे भी यह जानकारी नहीं होगी कि वो इस बीमारी का शिकार होगा। जांच अगर हुई रहती तो शायद यह बीमारी पकड़ में शुरू में ही आ जाती और ये जमात की व्यवस्था के अंतर्गत जो ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे, यह बीमारी फैलने की आशंका कम होती। जो बड़े पैमाने पर मजदूर आए हैं, मुझे लगता है कि ये तो उन तमाम बड़े लोग जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं और विदेशों से यह बीमारी बड़े पैमाने पर हमारे भारत में आई। पिछले समयों में जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने 31 जनवरी को ही बड़ी महत्वपूर्ण रूप में देश की संसद में बोला था, मीडिया के सामने आके बोला था, ट्वीट किया था कि यह एक बीमारी जो
बड़ी तेजी के साथ अपने देश में फैल सकती है। शायद उस समय ही सरकार ने ध्यान दिया रहता और उसी समय विदेशों से आने वाले सारे हवाई यान को रोक दिया होता तो आज इस रूप में ये नहीं फैल पाती। जी, और मुझे लगता है कि अगर आज ये बीमारी अगर फैल रही है जी अजय कुमार जी, हालांकि जो तो पहले इसके इलाज का समुचित व्यवस्था और प्रबंध करना चाहिए। जी जी अजय कुमार जी, जहां हम एक तरफ ये अब पुरानी बातों पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि पहले से लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जिस तरह की खबरें आ रही थी कि ललितपुर जिले में किसानों को केसीसी ऋण वसूली के लिए भी कहा गया है, उनके पास नोटिस जारी किए गए हैं, इसको लेकर भी आपने लोगों के बीच उनको राहत पहुँचाने की कोशिश की थी और सरकार से मांग की थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग पिछले काफी समयों से लगातार सरकार को यह पत्र लिख रहे हैं जी। कि पहले तो हमने पत्र लिखा था कि गांव का गरीब और मजदूर आज पूरी तरह परेशान है, उनको समुचित राशन की व्यवस्था मुफ्त में दी जाए। हमने सरकार से ये भी मांग किया था कि कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से लोग संक्रमित हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक सिस्टम पर जो अंगूठा लगाते हैं और लगातार राशन लेने के बाद शायद एक दूसरे के अगर किसी को भी अंगूठा लगाने में संक्रमित हो तो वो शायद फैल सकता है। मुझे लगता है कि सरकार ने उसे भी अनसुना कर दिया था। आज महामारी के दौर में पूरी तरह किसान भी परेशान है और आपको याद होगा ओलावृष्टि के नाते किसानों का फसल बर्बाद हुआ था। हमने पत्र लिखकर सरकार से यह मांग किया था कि ओलावृष्टि के नाते जो किसान परेशान है उन लोगों को जो आपने मुआवजे की घोषणा की थी आज जरूरत है उनको मुआवजा देने की। कल तो एक बड़ी विकट परिस्थिति आई कि बैंकों से और अन्य अमीनों के द्वारा ललितपुर के किसान के घर जाना और उनसे ऋण के लिए नोटिस जारी करना और उनसे पैसे की वसूली करना। आपदा का समय है, संकट का समय है, सरकार को सभी लोगों का ध्यान रखते हुए उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है और मुझे लगता है कि हमने सरकार को कल भी एक पत्र के माध्यम से यह सूचना दिया कि अभी सारी वसूली को बंद किए जाने चाहिए, किसानों के कर्ज माफी पर विचार होना चाहिए और निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ी घोषणा करने का समय आज जरूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी अजय जी, जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है, जैसे स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सभी पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आप लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जो नेता, आप लोग कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो इस तरीके से अपने तरफ से भी सहयोग करें और लोगों की मदद करते रहे, पत्र लिख रहे हैं आप, लगातार सरकार को बातें कह रहे हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि आपके पार्टी के तरफ से बहुत लोगों को राशन भी पहुंचाया जा रहा है, साथ ही उनके लिए आप लोगों ने साझा रसोई भी स्टार्ट की थी, तो उस वो पहल किस तरीके से काम कर रही है और कहाँ कहाँ के लोगों को आप इस तरीके से सहायता दे रहे हैं? देखिए, हमने पूरे प्रदेश में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और प्रदेश में कंट्रोल रूम बनाया है, साथ ही साथ हर सभी जिला मुख्यालयों पर भी हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और सारे नंबर हमने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति को दवा की जरूरत है, राशन की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, वो व्यक्ति हमें फोन करता है और निश्चित रूप से उस कंट्रोल रूम में हम पूरा नंबर उसका फीड करते हैं और फिर आज जिला प्रशासन की मदद से हम उनको राशन, दवाई या अन्य जो भी सुविधाओं की जरूरत है हम उस व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। खासकर जो हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब भाई हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी पंजाब में, कहीं भी फंसे हुए हैं, उन लोगों का भी हमारे कंट्रोल रूम में फोन आ रहा है। हमने पूरा एक ग्रुप बनाया है जो आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के देखरेख में चल रहा है। हम उन लोगों को उस प्रदेश में भी राशन, दवाई या किसी भोजन की जरूरत है उनको भी हम भोजन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ साथ बनारस में, लखनऊ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, फतेहपुर में और गौतम बुद्ध नगर से लेकर सिकंदराबाद तक, बुलंदशहर तक, सभी जगहों पर हम रसोई जो रसोई कांग्रेस की रसोई करके एक हम चला रहे हैं, वहां पर रोज 5 से 6 हजार पैकेट बनता है
और गाड़ियों में लादकर हम जिला प्रशासन के सहयोग से जिन लोगों को इसकी जरूरत है, आज जो बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर या गरीब भाई परेशान है, हम उन लोगों तक भी वो पैकेट पहुंचाकर हमारा प्रयास है कि कोई भी भूखा न सोए। कांग्रेस का सिपाही पूरी तन्मयता के साथ लगकर पूरे प्रदेश के लोगों की सेवा भाव में लगा हुआ है। जी बिल्कुल। खासकर आपको याद होगा कि जब दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूर चले थे, तो हम लोगों ने एक हाईवे टास्क फोर्स बनाया था। उस हाईवे टास्क फोर्स के अंतर्गत जो भी मजदूर भाई आ रहे थे, उनको ठहरने का, रुकने का, खाने का, पीने का, दवाई और जो भी बन सकता था, कांग्रेस के सिपाहियों ने उनकी पूरी मदद करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और हम हर आदमी के दुख सुख का साझा कर सके। जी अजय जी, लगातार कांग्रेस है वो अपनी जनता के साथ बनी हुई है, उनकी मदद में लगातार लगी हुई है। आपने हमारे साथ अपने बातों को साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।